जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आप लोगों के एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपना रिजल्ट जो है चेक करेंगे, साथ में आप लोगों को बताऊंगा स्कोर कार्ड आप कैसे चेक करेंगे। जी हाँ, आप लोगों के स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं और काफ़ी जो है बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर भी यहाँ पर मिले हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आप लोगों को मिले हैं, है ना, साथ में आप लोगों का लिस्ट में नाम है या नहीं, वो भी आप यहां पर चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट्स आप लोगों को सही और सटीक मिलती रहे। देखिए यहां पर जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वो विथ नॉर्मलाइजेशन नंबर के आधार पर आया है, यानी आपके जो रॉ मार्क्स थे, ठीक है, और यहां पर आपकी शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसी को एड करके यहां पर नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है। अब यहां पर देखते हैं किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एसएससी के जो रिजल्ट है वो आपको एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर ही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है गूगल क्रोम में, यहाँ पर आप आएंगे और आपको सर्च करना है ssc.nic.in, ठीक है, ssc.nic.in आप सर्च करेंगे, आपको पहली वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगी। दो वेबसाइट है एसएससी की, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो ओल्ड वेबसाइट है वो अलग है और जो न्यू वेबसाइट है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दो वेबसाइट्स मिलेगी, एक नई वेबसाइट और जो है एक ओल्ड वेबसाइट। तो आप लोग स्कोर कार्ड जो है आपके नॉर्मलाइजेशन जो नंबर है वो आपके ओल्ड वेबसाइट से देख पाएंगे, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट की पीडीएफ्स है वो आपको इस न्यू वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। आप रिजल्ट वाले पोर्शन में आएंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगी। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर अभी जस्ट रिजल्ट आया है तो वेबसाइट जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आना है एक वेबसाइट पे हरियाणा जॉब्स करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी, देख पा रहे होगे एसएससी जीडी रिजल्ट 2024, इस पर आप आएंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को मेल फीमेल सभी की जो पीडीएफ है वो यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर पर दिया हुआ है जो मेल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट यहाँ पर है, दूसरे में आपका फीमेल के लिए, ठीक है। तो अगर आप मेल है तो आप अपनी लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस लिस्ट को डाउनलोड करूंगा। अब जैसे ही डाउनलोड होंगी तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम और रोल नंबर सर्च करना। देखिए नाम सर्च करोगे तो एक से अधिक जो है नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो आप जो है अपना रोल नंबर यहाँ पर सर्च करेंगे, जो भी आप लोगों का रोल नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर आप सर्च करेंगे और यहाँ पर जो है रोल नंबर आपका आता है और उसी रोल नंबर के साइड में अगर आपका नाम आता है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर हो चुका है, वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, आपने नाम देख लिया, अगर आपका नाम है यहाँ पर तो आप यहाँ से फिर आपके जो मार्क्स है वो कैसे चेक करेंगे वो यहाँ पर आप देखिए। देखिए आपको एसएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जो ओल्ड वेबसाइट है, ठीक है, ओल्ड वेबसाइट है उस पर आप लोगों को आना है। ओल्ड वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको माफ कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए रिजल्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप लोगों को आना है अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर चेक करने के लिए। जैसे ही इस पर आप आएंगे तो आप लोगों के सामने अगला जो पेज है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए रिजल्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे, अगला जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर दिखाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन आप जैसे ही करेंगे तो लॉगिन, देखिए यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इसका लॉगिन पासवर्ड क्या है। तो पहले जब आपने एसएससी के फॉर्म भरते टाइम जो लॉगिन और पासवर्ड आपने यूज़ किया था, क्योंकि उसके बाद नई वेबसाइट जो है आई है तो जो पुराना वाला है वही उसी से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और जो है रिजल्ट मार्क्स करके यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये पेज आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग जो है एग्जाम्स यहाँ पर दिए है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, ठीक है, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों का जो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर शो होने लगेगा, उसके बाद आपको सिंपल सा सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अगला जो पेज है वो आपके स्कोर कार्ड का होगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है अभी रिजल्ट आप लोगों का आया है तो साइड पे जो है लोड ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट का आपका स्कोर कार्ड जो है वो आ चुका है, जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, ये लिंक है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो आपके पीडीएफ्स है वो न्यू वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो पीडीएफ 10/7/2024 को आया, जिसमें मेल और फीमेल दो जो है अलग अलग रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, है ना, ये मैंने बता दिया। और पुरानी वेबसाइट पे आपको लॉगिन करके जो है अपना स्कोर कार्ड देखना है ना, लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड देखना है जैसे पहले करते थे आप लोग उसी तरीके से। अभी वेबसाइट पर लोड है,
इस वजह से मैं जो है इसका आगे जो है ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग जो है इसको आराम से चेक कर सकते हैं और इसी प्रोसेस से जो है चेक कर सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइए। जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी को बधाई, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।